हरियाणा प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुद्दों आधारित राजनीति भी चुनाव में अपना स्थान बनाती जा रही है। इसी क्रम में भिवानी पहुंचे कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और जो संकल्प लिया है वो जरूर पूरा करेंगे। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है, मैंने ये कहा है, वो तो कह रहे कॉपी किया है, परंतु जब मैं ये बात बोलता हूँ, हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देख लीजिए, हमने 100% उसको पूरा किया है। हमने संकल्प पत्र वैन फील्ड में भेजी, लोगों के बीच में भेजी, उनसे सुझाव लिए और हमारे पास 1,37,660 के लगभग हमारे पास सुझाव आए, बहुमूल्य सुझाव आए, उस आधार के ऊपर हमने संकल्प पत्र तैयार किया है। वहीं नायब सैनी ने भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल को लेकर उन पर तंज कसा, कहा कि उनके कार्यकाल में बिना पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी गईं। सुनिए, हुड्डा की सरकार थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में हुड्डा की सरकार में ये प्रतिक्रिया कोर्ट की थी कि ये लाले की दुकान है, यहाँ नौकरियां यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे नहीं दी जा रही, और वही सिस्टम आज दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा आया है और उसके बाद इन्होंने 2,00,000 नौकरियों की बात कही है, इनके विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है, इनके प्रत्याशियों की जो प्रतिक्रिया आई है कि मेरे हिस्से के अंदर 2,000 नौकरियां आ रही हैं, भाइयों ये इन नौकरियों को फिर बेचना चाहते हैं, गरीब व्यक्ति को नौकरी से दूर करना चाहते हैं। भाइयों जो सिस्टम 2014 से पहले था वही सिस्टम अब ये दोबारा लाना चाहते हैं। वही कुमारी शैलजा को लेकर भी नायब सैनी ने कांग्रेस को घेरा है, वो भी सुनिए। कोई उसको पूछने नहीं गया हॉस्पिटल में, और उसके बाद अब कुमारी शैलजा की बारी है, किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, अरे जाति सूचक शब्द बोले गए, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया, अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है, अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो क्या आपत्ति है, अरे कोई भी इच्छा कर सकता है, कोई भी कह सकता है, आप उसको जाति सूचक शब्द बोल करके अपमानित करते हैं। कांग्रेस की सोच रही है कि गरीब व्यक्ति को, ऐसी समाज को, दलित को और दबा दो, उसको पनपने न दो, अगर कोई दलित समाज में से बड़ा नेता बनता है कांग्रेस पार्टी उसको दबा करके नीचे कर देती है, ये कांग्रेस के DNA के अंदर है, ये हमें समझना सकता है, कोई आपत्ति नहीं, बोल सकता है। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, कोई नेता अपनी बात को रख सकता है, कोई आपत्ति नहीं। नेलो और कांडा साहब साथ आएंगे सर? देखिए, कांडा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, हमने उसको समर्थन दिया है, क्योंकि उन्होंने एक सीट हमारे से मांगी थी, जो बात हुई है उस बात के तहत भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल कांडा का समर्थन किया। लेकिन इनेलो ने कांडा साहब को समर्थन दिया तो बात तो एक ही हुई सर। नहीं देखिए, मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में तीसरी बार आ रही है। बहरहाल वार पलटवार का दौर जारी है, अब देखना होगा 8 अक्टूबर को जनता की अदालत में कौन पास होता है और कौन फेल। भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।